अरविंद केजरीवाल के मामले पर जल्द सुनवाई नहीं होगी। जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने अर्जी दी थी। केजरीवाल ने अपील की थी कि उन्हें एक हफ्ते तक का समय और दिया जाए, लेकिन अब केजरीवाल की अर्जी पर तुरंत सुनवाई नहीं होगी। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, वापस तिहाड़ जाना होगा। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत बढ़ाने की अपील की थी। कहा था कि कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, एक हफ्ते जमानत बढ़ा दीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा तुरंत सुनवाई नहीं होगी। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, तो सुनवाई संजय अब कब होगी? अभी तो चीफ जस्टिस तय करेंगे कि सुनवाई कब होगी, क्योंकि यह मामला अब चीफ जस्टिस की कोर्ट में चला गया है। चीफ जस्टिस की कोर्ट का मतलब कोर्ट नहीं, पाला को भी अंग्रेजी में कोर्ट कहते हैं। चीफ जस्टिस के पाले में गेंद है, अब वो तय करेंगे कि इस मामले में सुनवाई कब की जाए, कौन सी बेंच सुनवाई करेगी, कब सुनवाई करेगी, ये सारी चीजें चीफ जस्टिस को तय करना है। पहले तो वो इस ग्राउंड पर विचार करेंगे कि क्या इस अर्जी में अर्जेंसी है, अर्जी में अर्जेंसी है तभी वो ये तय करेंगे कि कौन सी बेंच कब सुनवाई करे, क्योंकि जस्टिस माहेश्वरी ने अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील हैं उनसे सीधा साफ साफ पूछा था कि जब जस्टिस दत्ता जहां पर पिछले हफ्ते तक इस बेंच जहां अवकाशकालीन पीठ में थे उस समय आपने उनके सामने मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि जस्टिस दत्ता वो जज हैं जो जस्टिस संजीव खन्ना के साथ उनकी पीठ में बैठे थे, जिन्होंने वो मूल आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि 1 तारीख तक उन्हें अंतरिम जमानत मिलेगी और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। इसका कोई जवाब अभिषेक मनु सिंघवी के पास नहीं था, तो उन्होंने साफ कहा कि अब आप हम इसमें कुछ दखल नहीं दे सकते हैं, हम आदेश में संशोधन नहीं कर सकते हैं, इस आदेश के लिए आपके द्वार भी है, इस पर विचार करने के लिए आप चीफ जस्टिस से संपर्क करें और अवकाशकालीन रजिस्ट्रार के पास वो संपर्क करेंगे और अवकाशकालीन रजिस्ट्रार ये तय करेंगे, वो चीफ जस्टिस से संपर्क करेंगे, उसके बाद चीफ जस्टिस। ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे।